हाय गाइस, मैं हूं कपिल और आपका स्वागत है बाइट शास्त्र चैनल में। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो मैं आज लेके आया हूं आपके लिए कुछ ऐसे मेथड्स जिनको यूज़ करके आप इजीली हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो वो मेथड बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेशन आपको ईजिली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी में टाइप करने के लिए आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हैं। तो इस पे इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन पे ये लेआउट शो होगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ट्राई इट आउट पे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि गूगल इनपुट टूल्स के थ्रू आप ऑनलाइन कुछ भी जो अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वो हिंदी में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 80 के अराउंड लैंग्वेज सपोर्ट करता है। और चलिए हम शुरू करते हैं कि अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन है इंग्लिश का, यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो लैंग्वेज हैं वो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हमें यहाँ से चूज़ करना है हिंदी, क्योंकि हम हिंदी में टाइप करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसे ही आप इंग्लिश में कुछ भी लिखेंगे वो कन्वर्ट होके हिंदी में आपको शो होगा, और साथ में उसके साथ मल्टीपल ऑप्शन भी आपको शो होंगे। आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि एक्यूरेट है। ये देखिए, मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो एज इट इज मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ और ये हिंदी में हमारे सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाइट शास्त्र। अब क्योंकि इसको बाइट शास्त्र ये इस टाइप से समझ में आ रहा है, तो यहाँ से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज इसे इंग्लिश में ही रहने देता हूँ। तो इस तरह से आप जो भी लिखना चाहते हैं इजीली आप इंग्लिश में जो भी लिखेंगे आप इंग्लिश में जो भी टाइप करेंगे वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से आप जो भी लिखेंगे वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन ये था जिसके थ्रू आप डायरेक्ट google.com पे जाके इनपुट टूल्स में जाके ट्राई इट आउट पे क्लिक करके इजीली अपना कंटेंट हिंदी में लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप अगर ये वेबसाइट नहीं खोलना चाहते तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं गूगल क्रोम की एक्सटेंशन को। इसे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने गूगल क्रोम का वेब स्टोर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा डाउनलोड का ऑप्शन। क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए ये मेरे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैंने इसे क्रोम में डाउनलोड किया हुआ है। आप यहाँ से इसे यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन होगा वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा ये पेंसिल का साइन। ये देखिए, जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा रहा है गूगल इनपुट टूल। तो ये मेरा गूगल इनपुट टूल है, यहाँ से मुझे ये लैंग्वेज शो होंगी हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, आप चाहें तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं। ये देखो कितनी सारी इनपुट टूल्स में आपको लैंग्वेज शो हो रही है, यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश। आप चाहें तो कोई भी लैंग्वेज यहाँ से ले सकते हैं, आपको हर तरह की लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये दोनों, अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि अगर सपोज मुझे इनको यूज़ करना है तो कैसे करूँगा। सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है हिंदी में, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए, हिंदी वाला ऑप्शन मैंने चूज़ किया है। ये देखिए लिखा रहा है ना, गूगल प्ले स्टोर।
तो इस तरह से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, मीन्स तो इस तरह से आप इजीली यहाँ कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ऑनलाइन नोटपैड, ये देखिए, चलो शुरू करते हैं हिंदी में टाइप करना। तो इस तरह से आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो नेट के थ्रू आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे इजीली टाइप कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि इसमें आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए और आप इजीली हिंदी में या इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं उसमें इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिसके थ्रू भी आप इंग्लिश को हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने यूज़ करना है ये वाली वेबसाइट को। इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे, translate.google.in को। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हेलो कैसे हैं और आप, और ये एज इट इज़ क्या है कि यहाँ से मैंने हिंदी को सेलेक्ट किया तो ये इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रहा है। तो इस तरह से भी आप इजीली अगर इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू इजीली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप जो भी लिखेंगे वो आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो तीसरा तरीका है वो है माइक्रोसॉफ्ट इनपुट इंडिक टूल का, जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी विंडोज़ की एप्लीकेशन में, चाहे वो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसमें आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, उस वीडियो में पूरा डिटेल से मैंने बताया है कि कैसे आप उस माइक्रोसॉफ्ट इनपुट टूल को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में और उसे यूज़ करके ईजीली विदाउट इंटरनेट आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। क्योंकि ये जो गूगल इनपुट टूल है ये सिर्फ आपका इंटरनेट पे वर्क करता है, मीन्स आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन ऑन होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप ऑफलाइन मोड में हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।